ବାତ୍ୟା ଜବାବ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଯଦିଓ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। सोमवार भारत गस्तरे आसिबे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन का गस्तरे दुई देश भितरे बंधुतार एक नूतन अध्याय लेखा जिबो। एहा पूर्वरु केंद्र सरकार प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर सह दुई देशर संपर्क को अधिक मजबूत करने बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। मोदी सरकार राइफल उत्पादन पई 5,100 कोटी टंकार प्रकल्प को अंतिम अनुमति प्रदान करिसेंति एवं AK-203 राइफल रा नाम। तेज सोमवार प्रधानमंत्री मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यार आनुष्ठानिक घोषणा करेंगे। पद्मश्री नंदकिशोर पुष्टि स्वास्थ्यावस्था गुरुतर। स्वास्थ्यावस्था बिगिड़ा पर भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल को स्थानांतर कर कोविड आक्रांत हो नंदसार जाजपुर चिकित्साधीन थे। अवस्था अधिक खराब रु उन्नत चिकित्सापी भुवनेश्वर होती स्थानांतर। कलिंग स्टेडियम चलता हॉकी पुरुष जूनियर विश्वकप ब्रोंज पदक मुकाबला मैच रे आज फ्रांस को भेटिबो भारत। दुई टूर्नामेंट भल प्रदर्शन करते कि सेमिफाइनाल जर्मनी ठारु भारत और आर्जेंटीना ठारु फ्रांस परास्त होगा पर आज तृतीय स्थान पर लड़े करेंगे। टूर्नामेंट प्रथम मैच में भारत फ्रांस ठारु 4-5 गोल में पराजित होता बेले आज फ्रांस को हराई प्रतिशोध ने आशा ओह्लैब भारतीय दल। ममिता हत्याकांड को नहीं आसंता 9 तारीख में विधानसभा घेराव करिब बीजेपी। एने कोरापुट जिला बीजेपी पक्षर प्रेसमिट अनुष्ठित होई छी। ममिता मेहर को परिवार को न्याय मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार पई दाबी करी छी बीजेपी। ए दाबी नहीं आसंता 9 तारीख में विधानसभा सम्मुखें कोरापुट युव मोर्चार समस्त कर्मी विधानसभा सम्मुखें धारणा देबे। आमे आगामी डिसेंबर 9 तारीख दिन जोटा गणतंत्र मंदिर घेराव करू हजार हजार संख्यार युवक यही अभिव्यक्त कोरापुट नवरंगपुर आप मलकानगिरी एवं रायगढ़ जिले आज प्रस्तुति बैठक होती हजार हजार संख्यार युवक यू जी एवं गणतंत्र मंदिर में न्यायर भिक्षा करेंगे तो घेराव करेंगे आंदोलन करेंगे जे पर्यंत भौणी ममिता मेहर को न्याय न मिली जे पर्यंत दिव्यशंकर मिश्र गिरफ न होती जेपर्यंत मंत्रिमंडल बहिष्कार न कर जे पर्यंत ए केस्र सीबीआई तदंत होना से पर्यंत युव मोर्चा लड़े करुच्ची आगामी दिन में ए प्रतिवाद आहरी तीक्षण हम लड़े 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 हम आम आगामी डिसेंबर। बलांगीर बंगमुंडा ब्लॉक सिंधेकेला आरएमसी थारे सिंधेकेला पेक्स तरफ धानमंडीर शुभारंभ। जिलापालक निर्देश मुताबक 29 तारीख रु बलांगीर जिले धान किणा आरंभ होईछि। पेक्स संपादक घासीराम रणांक तत्वावधान में बंगमुंडा तहसीलदार गुणमणि सुनानी मुख्य अतिथि भाव जोगद पूजार्य तुलाइवा पर मंडी में धान बिक्री प्रक्रिया शुभारंभ कर। आउ सिंधेकेलार बड़ चाषी सुध आर धान आणिक मंडी में मिल पैक है बर्तमान सुधा जी जल्दी हवा मिल पैक करवस्था कराषी मान हराम नहीं है। ढेंकानाल जिला साईकृपा कॉलेज कोविड नियम उल्लंघन मामला तबे दुई दिन परे कौनसी कार्यानुष्ठान नेउनी पुलिस। मामला रुजू होता व्यक्ति को धरवे विफल टाउन थाना पुलिस। गत किछि दिन पूर्वरु साईकृपा आवासिक महाविद्यालय प्रथमे 33 तापरे 16 जन छात्र छात्री कोरोना आक्रांत होते। कॉलेज कर्तृपक्ष नियम उल्लंघन कर पिला आइसोलेसन रखा बदलने समस्त घर को पठाइले। एने प्रशासन पक्ष कॉलेज को कारण दर्शा नोटिस जारी कर। निकटे बीजेडी बीजेपी में जोग देता पूर्वतन विधायिका तथा मंत्री अंजलि बेहरा को रासोल मंडल बीजेपी युवा मोर्चा पक्षर स्वागत। बीजेपी शह शह कर्मी अंजलि को स्वागत करने सह एक पदयात्रा कर गां गां बुली लोकों सह विभिन्न प्रसंगे आलोचना करने मास्क और बैग बंटन कर। मंडी खोलिबा चासी मुंडिया मारी प्रतिवाद। नुआपड़ा अन्नदाता अभिनव आंदोलन। जिले में विधिवत भाव में मंडी खोलनी से धान बिक्री करीबारे चासी को हैरान होगा पड़ी खासकर दीर्घ 15 वर्ष अधिक दिन हेबा
सिनापाली ब्लॉक लियाड ठारे मंडी चली आसुथला किंतु चलित वर्ष लियाड गा मंडी को बाद दिया जाइछि तेनु चासी माने एभली प्रतिवाद करिसेंती। बात्या जवादर प्रभाव में दुई दिन धरी लगाण वर्षा पवन में केन्द्रापड़ा जिले में व्यापक क्षयति होती जिलार महाकालपड़ा राजनगर आलीपाटकुरा निर्वाचन मंडल में हजार हजार एकर पाचिला धान क्यारी में वर्षा पा बुड़ रही देखा मिली फल चाषी सुनार फसल हानि को देखि हताश होने नदी तटवर्ती जमि में लगता पनीपरिया नष्ट अगनवाड़ी तीन मस अंडा देने से आम आसी अगनवाड़ी को कहले उपर पैसा आसने आम दे पार्बुन कहले एटा गोटे प्राइवेट संस्था आम खर्च कर पार्बुन कहले बंद रही आम को तीन मस अंडा दि हूँ आईपाई आम आसी दीदी पाख को जाइलु दीदी आम कहले एटा तो हूँ प्राइवेट संस्था आम पाक तो पैसा फैसा किसी आसुना से आम दे पगनवाड़ी कटक रतपठारे विश्व गुरु अचिन्हा ठाकुर श्री निमाई चरण परमहंस देव तृतीय वार्षिक श्राद्ध दिवस पालन रतापट गांव स्थित भगवत शून्य आश्रम रे विश्वगुरु अचिन्हा ठाकुर श्री श्री निमाई चरण परमहंस देव मंदिर प्रांगण में आडंबर से यह आयोजन करा जाइछे। उत्सव में कोड़ीटी भगवत मंडली योगदान करथिले साधु संतों आनुकूल्य अनुष्ठित होइछे। नरसिंहपुर ब्लॉक पर्यटन व्याख्यान केन्द्र थारे ब्लॉक मिशन शक्ति पक्ष बैठक अनुष्ठित होती कटक युको बैंक मुख्य राजेश कुमार बेहरा कटक युको बैंक मुख्य निर्देशक सुकांत छाटोई प्रमुख अतिथि भाव में जोग देते ब्लॉक रे मिशन शक्ति रे जोड़ी होई महिला माने किभली स्वावलंबी हो पारे से उपरे होइतला आलोचना। शिकारी गुड़ी महिला गुरुतर कंधमाल जिला खजुरीपड़ार थाना छंदुरु पदर विदुखोल गांव में अभावनीय घटना जयंती कहर नामक जने महिला स्वामी पवित्र कहरों निकटस्थ रांझाकुंपा जंगल को झाड़ू एवं जालेनी काठ संग्रह करने हठात गुली फुटा सह जयंती मुंड में बाजि प्रथम खजुरीपड़ा मेडिकल फुलवाणी मेडिकल अणाई अवस्था संकटापन्न होवर एवं से ब्रह्मपुर स्थानांतर कर निजर जन्मित पुओ को बापा देउथला निर्यातना हाथगोड़ बांधि सात वर्ष पुओ को निर्यातना देउथला खबर पाई उद्धार कले खोर्धा चाइल्डलाइन सदस्य घटनारु जनापड़ी खोर्धा टांगी थाना अंतर्गत चंडेश्वर गांवर निकुंज बिहारी मिश्र जने ट्रक ड्राइवर निकुंजकर स्त्री मरीजा पर एकमात्र पुओ को पाखरे रखि निर्यातना देउथिले आज पुओ को हाथगोड़ बांधि माड़ मारिथिबा घटना संपर्क में खोर्धा डीसीपीओ खबर पाइथिले एवं तापरे उद्धार करागला ताकु राज्य बीजेपी युव मोर्चा सभापति इराशीष आचार्य नवरंगपुर गस्त राज्य सरकार का अपारगता एवं विभिन्न प्रसंग ने प्रतिवाद डिसेंबर 9 तारीख में आयोजन होगा विधानसभा घेराव कार्यक्रम में पल्लीरु सहर जाए बीजेपी कर्मकर्ता बहु संख्या में जोग देवा को करिछन्ति निवेदन। आगामी डिसेंबर 9 तारीख दिन युव मोर्चा पक्षरु हजार हजार संख्या रे युवक माने घेराव करिवे भौणी ममिता मेहर रो न्याय पाई एवं जे गृह राज्य मंत्री अच्छा दिव्यशंकर मिश्र जे पर्यंत तो गिरफ्त करना जाइए जे पर्यंत तो मंत्रिमंडल बहिष्कार करना जाइए जे पर्यंत ए केस सीबीआई तदंत होना से पर्यंत युव मोर्चा दुर्बल आंदोलन कर आंदोलन को आहरी तीक्षण कर सही क्रम आज जयपुर ठारे एवं एवं नवरंगपुर ठारे युव मोर्चा भाई सहित बसलु यू किभली भाव में जो भाई मैंने जाकि सामिल हे विक्षोभ सामिल हे घेराव करेंगे एवं जवाब देवे कि लड़ई करेंगे जेपर्यंत आउ थे कहूँ चाहूँगी ममिता भौणी को न्याय न मिली से पर्यंत जो मोर्चा लड़े 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 लड़े। दुर्बल हो गोटे गभीर अवपात परिणत होता बर्तमान जार मतलब माने बात्यार अवशिष्टांश गोटे गभीर अवपात भाव में गत जो छः घंटे पखापाखि उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा प्रति बेग 11 किलोमीटर बेगर गति करुच्छे जहाँ बर्तमान पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर एवं केन्द्रीभूत अच्छी यार जो दूरता रोची आमर खास करके विशाखापट्टनम ठारू
पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे 180 किलोमीटर, गोपालपुर ठारु दक्षिण दिगरे 200 किलोमीटर एवं पुरी ठारु पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे 270 किलोमीटर, दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे पारादीप ठारु 360 किलोमीटर दूर से वर्तमान अवस्थित अच्छी तार। या प्रभाव में प्राय उपकूलवर्ती जिला गुड़िक वर्षा वर्तमान लागि रही। सर्वाधिक वर्षा कथा जब देखा आम गोपालपुर गत काली सकाळ 8:30 आज सकाळ 7:30 मध्य 60 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जोटा कि सर्वाधिक वर्तमान आम पाखे जो तथ्य अच्छी। पारादीप 46 मिलीमीटर, पुरी में 21 मिलीमीटर, चांदवाली 28 मिलीमीटर, बालेश्वर 24 मिलीमीटर और भुवनेश्वर 24.3 मिलीमीटर। आमर प्राय उपकूलवर्ती जिला गुड़िक वर्तमान वर्षा लागि रही। जो गत कालीर आमर जो आकलन रही है आज मध्य किसी जिलापाई आमर ऑरेंज वार्निंग जो था बलवत्तर रही प्राय जो रोचे आपणकर जो प्राय एंटायर कोस्टल बेल्ट रे अधिकांश स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा आमर लागि रहइब। जेहेतु पवन वर्तमान 40-50 सर्वाधिक 60 किलोमीटर पर्यंत रहइब, समुद्र अशांत रहइब, तेणु आगामी 24 घंटा पर्यंत आमर मत्स्यजीवी मानू समुद्र मध्य को मना कर जीवापी। ता छड़ा जो आमर 3 नंबर विपद संकेत समस्त बंदर गुड़िकाई जारी करलवत्तर रही। आदि वर्तमान जो रोच नुआ जो तथ्य आम दौ आमर केपिक ट्विन सिटी एरिया जो तो द्वैत सहर रोच भुवनेश्वर और कटक सहर से अंचल आपणकर अधिकांश स्थान रलुकु मध्यम धरण वर्षा मझीरे मझीरे आपणकर वर्षार तीव्रता वृद्धि हे जो वर्षार परिमाण जो से तीव्रता जो वृद्धि हे से आपणकर 2-3 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा घंटा प्रति रहिबार संभावना रोच। ता छड़ा आपणकर जो गोष्ठी विंड आपणकर रहिबो 30-40 किलोमीटर पर्यंत जो दुई सहर रे गोष्ठी विंड 30-40 किलोमीटर पर्यंत रहिबो। तेणु जो समय वर्षार जो रोच इंटेनसीटी अधिक रोच से समय ट्राफिक यातायात रे माने आपण समस्या उपजी पारे। तेणु लोक मैंने जितेबले बाहर को जाने ट्राफिक सहित जो वर्षार जो वर्षा और पवन रो विभिन्न तथ्य संग निजक अपडेट करूँ। ता छड़ा यही समय बाहर को जीवापी जो इंटेन्स स्मेल रोक बाहर को जीवापी संपूर्ण भाव बारण कर। जो आज ठार आज सका मानते आसंता का सका 8:30 पर्यंत यही जो आम सूचना जारी कर उभय कटक और भुवनेश्वर आपंकर हेवी रेनफल जेहेतु आम किसी स्थान में हेवी रेनफल चांसेस रोच वर्षार परिमाण 7-11 सेंटीमीटर पर्यटन वर्षार परिमाण रहा संभावना रोच। वर्तमान आमर जो रोच आसंता का पर्यंत मानते आसंता का सका 8:30 पर्यंत यार ओडिशार उपकूल अंचल प्रभाव रही। धीरे धीरे आसंता काली प्रभाव कमी जोटा कि उत्तर ओडिशार किसी स्थान में वर्षा लगि रसंता काली 7 तारीख ठार यार प्रभाव प्राय ओडिशार लोप पाइब। हाँ निश्चित भाव कारण आप जो बात्या बर्तमान गभीर अवपात होती किसी समय भितर आम अनुमान गोटे दुर्बल हो अवपात परिणत हो पूरी पाखापाखि आपणकर देखा आमर मध्यान समय पहुँचवार संभावना रोचे जार गति रपणकर उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे और परवर्ती 12 घंटे यह आहरी दुर्बल हो गोटे वेलमार्क लो प्रेसर एरिया आमर स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो जहाँकि पश्चिमबंग उपकूल आड़ को अग्रसर हो। जोटा कि आपंकर डिस्टास् तो नुह आप जो तार जो रोच पाखापाखि आपंकर मझामझी रोच आपर पश्चिमबंग जो रोच आपर पुरी उपकूल पाखापाखि आज मध्यान पर धीरे धीरे तार से जो गतिपथ रहा जो वर्तमान जो बेग रोच पाखापाखि 11 किलोमीटर से। कंधमाल जिला खजुरीपड़ा ब्लक दलपड़ा ग्राम पंचायत गुरांडी गांव महेश्वर कहर जंगली बारहा आक्रमण में गुरुतर आहत तांको फुलवाणी जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करा जाई छी। बारहा महेश्वर को कामुड़ी क्षताक्त करितिबा जना पड़िछि। महेश्वर चित्कार करथिले भी चित्कार शुणि निकटे अन्य माने दौड़ी आसीथिले। बारहा मुहरु महेश्वर को छड़ाइबा पई चेष्टा कले। खजुरीपड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होइछंती। प्राथमिक चिकित्सा परे फुलवाणी मेडिकल को रेफर करा जाई छी। बापा जाते गोर चोरापी से जंगली बारा आक्रांत कर रक्ताक्त करदे पटितुंड कर गाँव लोक जाए उद्धार कलु। आंबुलांस फोन करजीपड़ा जॉन करूँ
ତାପରେ ସେଠି ପାଲିନୁ ଯେ ଏଠି ଫୁଲବାଣୀକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ କାମର ଗୋଡ଼ରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ହାତରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ହିସାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଗମାନନ୍ଦ କର ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଢିଆରୀ କୋରାପୁଟ ସିମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ବାହାନାରେ କିଛିଦିନ ଧରି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକୁଥିଲେ। ଗିରଫ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ କାଲି ତିନି ତାରିଖରେ ଆସି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କରୋନା ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ, ମା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲେ କିଛି ସାମାନ ଆପଣ ପାଇବେ ବୋଲି ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ସାଇକେଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକର୍ ବାହାରିଲା। ସେଇଟା ସେମାନେ ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶି ଚଉଦ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। କଲାପରେ କିଛି ମିଳିଲା, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆଉଥରେ ଟିଭି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଟିଭି ପାଇଁ କଲାପରେ ଏମାନେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଟିଭି ସପ୍ଲାଏ କରୁ। ଏହି ହିସାବରେ ଏମାନେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ତିରିଶ ତାରିଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିଲା। ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିଲା ପରେ କାଲି ତିନି ତାରିଖ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ପିଲାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଏମାନେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଆଉ ଫୋନ୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସେମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଲୋକକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମର ଡିଆଇଜି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଟିଓଙ୍କ ଘରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ଗାନ୍ଧୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନୟାଗଡ଼ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ବିଚାରପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆରି ଯୋ ପୁରା ଆୟୋଜନ ହେ ଇସ୍ ପୁରା ଆୟୋଜନ ମେ ଏ ନୟାପନ ଦିଖ ରହା ଥା ଉତ୍ସାହ ଭି ଅର୍ ଇତନେ ଲମ୍ବେ ସମୟ ସେ ଏହା ବୈଠ କରକେ ଏସି ବାତେଁ ସୁନନେ କା ଯୋ ଅଭ୍ୟାସ ମେ ଦେଖ ରହା ହୁଁ ୟେ ବିଲକୁଲ ନୟା ହେ। ଦେଶଭର ମେ ଯାତା ହୁଁ ଲେକିନ ବହୁତ ସାରି ଜଗହୋଁ ପର ଏସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ହି ପ୍ରାୟୋଜିତ ତରିକେ ସେ କିଏ ଯାତା ହେ। ଏହା ଯୋ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକତା ହେ ଇସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ ବୋ ମୁଝକୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ଲଗି ଅର୍ ନୟାଗଡ଼ କେ ସାରେ ନାଗରିକୋଁ କୋ ମେ ଏ କହିନା ଚାହତା ହୁଁ କି ଇସ୍ ନାଗରିକ ଇସ୍ ନୟପନ କୋ ବନା କର ରଖିଏ, ଇସକୋ ପୁରାନା ମତ ପଢ଼ନେ ଦିଜିଏ ଅର୍ ଅପନେ ପ୍ରତିନିଧି କୋ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ମଜବୁତି ଦିଜିଏ ତାକି ୟେ କାମ ଅର୍ ଭି ଆଗେ ବଢ଼େ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଜି ଭାଲିଆସାହି ଗାଁର ଗୁମା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଘରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ବେଳେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ବେହେରା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗାଗଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରୁ 22 kg 300 g ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗାଳୀଙ୍କ ନିଖୋଜର 6 ଦିନ ପରେ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା ତେନ୍ତଳା ପଶି ପଞ୍ଚାୟତ ଧନୁର୍ଜୟପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଖୋଜ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର।